और एक वो लेडीज बुक जो रात में चाय पीने लोगों के घर जाती है, लोगों ने दीवार पे लिख दिया कल आना तो दूध भी लाना। दूध। हेलो दोस्तों, राम राम। अभी हमारे दिमाग से और आपके दिमाग से मुंजिया का भूत भागा नहीं है, और दूसरी मूवी का टेलर आ गया, टीजर आया स्त्री क्यू का और टेलर आया कुकड़ा का। तो पहले हम देख लेते हैं आखिरकार टेलर में है क्या जो हमने मुंजिया की बात की। रतोड़ी एक ट्रैफिक गांव, हर घर में दो दरवाजे और एक छोटा। तेरहवें दिन बारी समाप्त। मुंजिया दादी करती तुझे विधवा बना के सुनना। जिस अंधविश्वास है आज तक कोई ना बचा, आज तक किसी ने कोशिश भी तो ना की। मैं तो समझती कहे ना है बीमारी ना है जे शराब है शराब। ये अंग्रेजी तांत्रिक नहीं, गोस्ट हंटर। ये तो गोस्ट हंटर बोल के मगायो। आजकल के बहुत कितने बोरिंग हो गए, गले से लिपट कर घूम चूस लिया, रात में पैरों में घूम बांध कर नाच लिया छिन छिन छिन। और एक वो लेडीज बुक जो रात में चाय पीने लोगों के घर जाती है, लोगों ने दीवार पे लिख दिया कल आना तो दूध भी लाना। दूध के भाव बढ़ गया, बुरा मान गई आई। असली बुक तो ये 13 दिन का नोटिस देकर मारता है, और नाम भी क्या है? ककूदा। नीचे आएगा वो पुलिस। सिग्नल तो मिल नहीं रहा, अभी तो तोरो होगो, सोने दो। सिर्फ 4 दिन बचे। एक वक्त बहुत कम। खोल का सोना। अरे बाप रे, 12 जुलाई को आएगी। जोरदार आप पकड़ रखो मेरा। इसमें तेरो हाथ पकड़ो तो तेरो। अब तो ये है कि डैम पे करवचा खुद तो बस का कूड़ा। जो मूवी का हमने टेलर देखा ना, पूरा कॉमेडी से भरा था। इसमें रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा, साकिब सलीम, आसिफ खान। अभी इनकी पंचायत आई थी सीरीज, जिसमें ये उस गांव के दामाद बने थे, उसमें छोटा सा रोल दिखाया गया था। इसमें बहुत बड़ा रोल दिखाया गया, वो बराबर उसको कहते भूत बुरा मान जाएगा। एक अंग्रेजी डॉक्टर आए, मतलब एक अंग्रेजी तांत्रिक आए हैं जो रितेश देशमुख है, और वो भूत को पकड़ने आए। वो बताते हैं कि ये भूत बिल्कुल सॉलिड है, क्योंकि वो बताता है कि 13वें दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। मंगलवार को 7:15 पर गेट खोल दो, अगर नहीं खोलते तो 13वें दिन उसकी 13 ही हो जाती है। और बहुत कॉमेडी से भरा था। सोनाक्षी सिन्हा, जिनकी हाल ही में अभी शादी हुई है, उनकी ये मूवी है, और ये G5 पे 12 जुलाई को दिखाई जाएगी। बहुत कॉमेडी होगी इसमें। कहते ना स्त्री कल आना, वो स्त्री कल आना, इसमें ये नहीं कहते कि कल आना, ये कहते स्त्री को, वो स्त्री कल आना तो हम तुम्हें दूध पिलाएंगे, तो कहते दूध के भाव बढ़ गए। मतलब एक से बढ़कर एक कॉमेडी। वो कहते कि अरे कैसा भूत है ये, उसको देख के सब कुछ डर, सब लोग डर जाते हैं। और सोनाक्षी सिन्हा अपने पापा से कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कहते नहीं ये गांव ही श्रापित है इसीलिए ऐसा हो रहा है, और उससे सारे लोग डरते हैं। हर मतलब उस गांव में 2 दरवाजे थे, एक बड़ा दरवाजा एक छोटा दरवाजा, और अगर सबको भूत से या भूतनी से बचना है ना, तो उसके लिए उसको दरवाजा खोल के रखना पड़ेगा मंगलवार। तो ये जो टेलर था ना, बहुत कॉमेडी से भरा हुआ था। स्त्री 2 जिसका टीजर आया, मुंजिया, भूल भुलैया 2, ऐसी बहुत से सारी जो हॉरर और कॉमेडी से बनी हुई मूवी है, ये सारी मूवियों की बाप है, ऐसा इस टेलर को देख के लग रहा था। मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि मूवी कितनी कॉमेडी और कितनी उससे भरी होगी।
अभी तो मुंजिया का भूत इसीलिए नहीं उतरा क्योंकि मुंजिया हम देख के आए, आप देख के आए। मुंजिया बहुत दमदार लगी, बहुत कॉमेडी से भरी। ये गारंटी है कि ये मुंजिया से भी ज्यादा कॉमेडी से भरी होगी क्योंकि इसमें कलाकार बहुत बड़े बड़े, कहानियां कई अलग अलग, सोनाक्षी सिन्हा की अलग कहानी, रितेश देशमुख की अलग कहानी, साकिब सलीम की अलग कहानी, आसिफ खान की अलग कहानी, जिसमें बहुत सारी कहानियों के एक साथ जोड़ के कॉमेडी और हॉरर बनाया गया है। गाँव तो वैसे भी श्रापित है, तो अब हमें देखना है कि उस गाँव से कौन सा भूत है जो रात को बाहर निकल के आता है और हमेशा के लिए गांव छोड़ के जाता है। इसके निर्देशक है आदिल सरपोदार। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये ट्रेलर आपको कितना कॉमेडी और हॉरर से भरा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे अब पूरी मूवी हम देख के आए थे, जितना मजा नहीं आया जितना 2 मिनट 35 सेकंड के ट्रेलर में आ गया। मूवी तो बहुत ही अच्छी होगी और इंतजार भी खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी आने वाली है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं का जो ट्रेलर है ना वो आपको कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, रिएक्शन वाले को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।